तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं की फीचर्स जो टाटा नेक्सोन XMS की है, और ये फ्लिप की है, स्मार्ट की नहीं है, तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो पीछे जो हमको मिलता है, पीछे में टाटा लोगो दिखता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आगे हमको तीन बटन मिलते हैं जिसमें लॉक, अनलॉक और ये लाइट ऑन करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए। ये जो दिया हुआ है आपको क्रोम, ये चाबी ओपन करने के लिए है। इसको बंद करने के लिए आपको वापस इसको क्लिक करना पड़ेगा और बाद में ही बंद हो पाएगा ये चीज़। और कुछ नहीं, खुलता उलता कुछ नहीं है। अब मुझे इसके साथ में जो दो कीज़ मिली थी उनमें से एक की तो ऐसी मिलेगी और दूसरी की जो है वो नॉर्मल की मिलती है, जिसमें सिर्फ टाटा का लोगो होता है और एक बस की होती है, जो ये की भी है आगे, ये की मिल जाएगी, पीछे टाटा का लोगो मिल जाएगा गोल सा, और ऐसी मिलती है। और जो टॉप मॉडल वगैरह के अंदर जो आती है की आती है, वो स्मार्ट की आती है, उनका अलग वर्किंग है थोड़ा सा। तो इससे आज हम चेक करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें कैसे ओपन होती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसकी क्या क्या अलग अलग हिडन फीचर्स क्या क्या हैं इसके, वो भी इसमें वीडियो में बताऊँगा मैं। एक साथ में यहाँ पे इन्होंने लाइट भी दी है रेड कलर की, अगर आप लॉक अनलॉक कुछ भी करते हो तो की काम करती है, इसको प्रेस करते हो तो ये दिख रहा होगा रेड कलर की लाइट इसके अंदर दी हुई है। तो अब देखते हैं कैसे क्या क्या फीचर्स। तो अभी इसको हम लॉक करते हैं, लॉक है ऑलरेडी गाड़ी से, इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक के नीचे वाला बटन दिया हुआ है, अनलॉक करते साथ में ही आपके इंडिकेटर चलते हैं और ये ORVM है, ये खुल जाते हैं बाहर, और जैसे आप लॉक करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अब जब जब आप अनलॉक करते हो तो जो इंडिकेटर है ये आपके एक बार ब्लिंक करता है, और जब अपन लॉक करते हैं तो ये दो बार ब्लिंक करता है। अगर आपकी गाड़ी पहले से लॉक है तो, अगर जैसे मैंने अभी लॉक है गाड़ी और मैंने दबाया इसको, तो ये एक की बजाय चार बार ब्लिंक करते हैं, दो बार की जगह चार बार ब्लिंक करते हैं आपको बताने के लिए गाड़ी ऑलरेडी लॉक है। देखो दबाऊंगा आप इसमें तो ये चार बार ब्लिंक करते हैं। और जो सेकंड बटन हमको दिया हुआ लाइट का, इस पर क्लिक करते हैं जो लाइट गाड़ी की है लो बीम वो ऑन हो जाएगी, विथ फॉग लैम्प, जैसे मेरा फॉग लैम्प कनेक्टेड है फॉग लैम्प के साथ में जाएंगे, और DRLs भी ऑन हो जाएंगी गाड़ी की। तो आपको दूसरे स्पॉट करने के लिए गाड़ी की हमारी यहाँ पे है लाइट से, अगर मालूम पड़ जाता है तो आपको वापस दबाओगे तो बंद हो जाएगा ये चीज़। और अगर आपको गाड़ी को दूर से स्पॉट करना है गाड़ी कहाँ पर है विद साउंड, जैसे लाइट में दिख रहा नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा गाड़ी है किधर, तो आप क्या करना है ये दोनों बटन को दबाना है, तो इस तरीके से आवाज़ करने जाती है। फिर जैसे आप अनलॉक वाला बटन दबाओगे तो चीज़ बंद भी हो जाती है। आजकल नॉर्मल अनलॉक और लॉक करने में गाड़ी में कोई साउंड नहीं आता, सिर्फ आपको लाइट ब्लिंक करती हैं और जो ORVMs हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि गाड़ी आप कहीं भी पार्किंग वगैरह में खड़ी कर रहे हो घर की पार्किंग में, तो आवाज़ नहीं आती लॉक अनलॉक करने की। एक चीज़ और है, अगर चलो अब इसकी बात करते हैं बूट ओपन करने की, बूट ओपन करते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, जो ये बीच में बटन दिया हुआ है इस बटन को दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड में ये आपका बूट अनलॉक हो जाएगा, ना हो गया। अब जैसे आप बंद करोगे इसको, बंद करने के बाद आपको लॉक वॉक करने की कुछ ज़रूरत नहीं, गाड़ी जो आपकी लॉक ही रहेगी, गाड़ी जो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी लॉक ही रहेगी। अब जैसे गाड़ी आपने पार्क की कहीं पे, जैसे अभी मैंने गाड़ी पार्क की हुई है, आप उतरे गाड़ी से नीचे, गेट खोला, अब आपने ड्राइवर साइड जो था वो मैंने बंद कर दिया गेट, और किसी पैसेंजर ने गेट खुला छोड़ दिया, अब मैंने गाड़ी को लॉक कर दी, लॉक करने में चला जाता हूँ मैं और गाड़ी का गेट जो खुला रह जाता है। तो इसके लिए एक सेफ्टी फीचर टाटा ने दिया वो ये है, जैसे मैं लॉक करूँगा गाड़ी तो आवाज़ आएगी, तो गाड़ी ने साथ में एक हॉर्न का एक बार ब्लो किया है तो एक बार हॉर्न की आवाज़ भी आती है, और साथ में गाड़ी के ORVM बंद हो जाते हैं, और ये जो गाड़ी अनलॉक ही रहती है, खुद बंद नहीं होती। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ इसको, अब वापस करना पड़ेगा क्लिक मेरे को बंद करने के लिए, अब बंद भी हो चुकी है और आवाज़ भी नहीं आई कोई। तो ये की है होने को ये XM से मिलने लग जाती है, और टॉप मॉडल में अलग स्मार्ट की मिलती है, पर फीचर जो है इसके की बहुत बढ़िया है, प्लस दिखने में भी आपको देख रहे होंगे आप बढ़िया दिखती एकदम, की लगता ही नहीं कि ये स्मार्ट की है या फिर नॉर्मल की है, तो ये स्मार्ट की इधर लगती फ्लिप की लगती ही नहीं है। प्लस जो वेटेज है पूरा उसी तरह स्मार्ट की जैसा ही है, लुकिंग वाइज बढ़िया है की। और अगर हम बात करते हैं इस की तो इसमें की में आप देख सकते हो जो जिस तरीके की ये दी हुई है, ये अच्छी गाड़ियों में मिलती है हमको, एक्सपेंसिव जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें मिलती हैं, सस्ती गाड़ियों में नहीं होती है चीज़ें, सस्ती गाड़ियों में 10 लाख तक की गाड़ियों के अंदर, कुछ एक के अंदर अभी देने लगी कंपनीज, पर टाटा ने भी ये चीज़ अच्छी की है, नॉर्मल की तरह नहीं दिया, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है अगर वो फ्लिप की में होते तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्मार्ट की वाला वो चीज़ दूँगी। आजकल बाहर आप ले सकते हो, फ्लिप की वगैरह मिलती है 3-3 हज़ार रुपये के अंदर आप करवा सकते हो, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है। तो मिला के बात है गाड़ी की जो की है गाड़ी की तरह बढ़िया है, जैसे गाड़ी के अंदर सेफ्टी दी वैसे इसके अंदर भी सेफ्टी फीचर्स हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप गाड़ी गेट खुला रहता है तो गाड़ी एक बार आवाज़ करती है, जैसे फीचर्स देना, सब चीज़ें देना, कॉस्ट कटिंग नहीं की है इस चीज़ के अंदर, आपको साफ दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं कि बेस मॉडल या सुपर वाला है तो कॉस्ट कटिंग कर ली गाड़ी के अंदर और इसके अंदर। तो जैसे गाड़ी बढ़िया एकदम दी वैसे ही की भी एकदम दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो था इसके फीचर्स के बारे में, नेक्सोन की जो की है उसके फीचर्स के बारे में। ये BS6 की है, BS4 का मुझे पता नहीं थी उसमें ये सेम की आती थी नहीं आती, जहाँ तक मुझे लगता है यही आती थी।
BS6 की है, पेट्रोल हमारी गाड़ी है, XMS मॉडल है। वीडियो पसंद है आपको लाइक कर सकते हो, क्वेश्चंस हो आपको, क्वेरीज हो और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हो नेक्सा से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। धन्यवाद।